तू तो मुझे छोड़ के दुनिया से चला गया मेरे लाल। तेरी याद आती है मेरा कलेजा फट जाता है। हेलो, आ गए भाई साहब रंघई। ललना भी मिला दे नहीं मनवा हो भीन लागे नहीं मनवा हो जिनगिया में आग लग गए। भीन लागे नहीं मनवा हो जिनगिया में आग लग गए। हेलो, आ गए भाई साहब सीताराम। अरे अच्छा जी की परनवा हो मन करे अच्छा जी की परनवा हो जिंदगिया में आगे राम पदम पूरे पंडित के रहने वाले हैं। 101 रुपया व्यवहार दे रहे पार्टी कोर्स धन्यवाद। मन चारे माहूर गाते तजदी पर भैले सब रोजहनवा हो सब रोजहनवा हो जिंदगिया में आग लग गए। हेलो हेलो हेलो, आगे रोशन लाल। हाँ जमे दोस्तों, ये आप लोगों के समक्ष जो बंगला नजर आ रहा है ये महामंत्री राघव सिंह का बंगला है। अभी यहाँ पे हमारे मंत्री जी नहीं है, आओ हम मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। आएंगे जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। वो सब सिलाई महामाना जी मालिक, थोड़ा के मालूम होना चाहिए कि हमारा महल्ला जाकर आज अपने बंगले पर क्यों आए हैं। मालिक, आज आप राजमहल ना जा करके आप बंगले पर क्यों आए हैं? आज हमारी लाभ बिटिया जिसका नाम प्रिया है वो अपने ननिहाल से चलकर हमसे मिलने के लिए हमारे बंगले पर आ रही है। आज बिटी आ रही है। हाँ, उसी के आने के खुशी में हम राजमहल ना जाकर आज अपने बंगले पर आए हैं। क्यों नहीं, आ बैठकर अपने बेटी प्रिया के आने का वेट करते हैं। नमस्ते पिताजी। Hey! Namaste.
नमस्ते 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 बेटे। और कैसे पिताजी? मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ, लेकिन ये कहो कि तुम्हारे ननिहाल वाले कैसे हैं? पिताजी हमारे मामा मामी नाना नानी सब ठीक है। जी पिताजी, लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। पिताजी कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? सुनिए कहने। शौक से कहो बेटी, शौक से कहो। भैया व्यवहार लिखने वाले भाई, देखिए आपका व्यवहार आ रहा है, आप लिखिए कॉपी में लिख लीजिए, अभी टाइम मिलेगा कॉपी लेकर के हम बोल देंगे भैया, क्योंकि अभी तमाशा बहुत बड़ा है, छोटा तमाशा नहीं है, इसीलिए आप व्यवहार लिखते जाइए, हम कॉपी लेकर के सीरियल बाय सीरियल आपका व्यवहार अलंकृत कर दिया जाएगा। मिट्टी हाँ। पापा जी से आप क्या कहना चाहती हो? देखिए बोलो भाई, पिता गुजारी सियाते करे लाडिया, मोरे उदयपुर में मेला लगा देखन जाओ, उदयपुर में मेला लगा देखन जाओ, खुश रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन, और तुमको देखन के लिए रे कर सक तो लाडो बिटिया। जी पिताजी, इसी दिन का हमें परसों से इंतजार था कि जब हमारी लाडो बिटिया अपने ननिहाल से वापस आएगी तो अपनी बेटी के साथ बैठकर जी भरकर बातें करूंगा, लेकिन तुम आते ही आज संडे की छुट्टी में तुम्हारी सारी सहेलियां और वह उदयपुर का मेला तुम्हें याद आ गया? पिताजी काफी दिन हो गए उदयपुर का मेला देखे हुए। तो मेले में जाकर अपना दिल बहलाओ। जी पिताजी, अपने दिल को तरोताजा करोगे, ठीक है बेटा, हम तुम्हें जाने की इजाजत देते हैं। पिताजी ये सब बात तो ठीक है, पर मैं यहाँ से गिर नहीं जाऊंगी। किसके साथ जाओगी बेटी? अरे हमारे सिवा पिताजी कौन है बेटी? अपने महाबली को लेकर जाऊंगी आज। ओ महाबली, सुनो हमारी बेटी उदयपुर मेला जाने की जिद कर रही है, और वो अपनी सेफ्टी और हिफाजत के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। सुनो, तुम हमारी बेटी के साथ उदयपुर मेला जाओ और हमारी बेटी को मेला दिखाकर उनका दिल बहलाकर साफ होने के पहले हवेली वापस आ जाओ। चिंता न करो, पैसे की चिंता न करो, पीटीएम साले की एटीएम। सुनो, हमारी बेटी जा रही है, तुम्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो पूर्ति कर ली जाएगी। बराबर। अच्छा बेटी, जी पिताजी, तुम लोग उदयपुर मेला जाने की तैयारी करो, और जरा हम राजमहल जा रहे हैं। पिताजी अच्छा, मैं चलता हूँ बेटी। बिट्टी पिलिया। पिलिया नहीं कहवे कुकुर, बिट्टी पिलिया। मेरा नाम प्रिया है। और कहीं तो बिट्टी, अभी मेरे पिताजी मेरा नाम ले रहे थे ना, प्रिया। हाँ पिताजी तो ने कहा था पिलिया। बिट्टी अगर मेरा नाम ना तो मुझे बिट्टी के की बुलाना। हाँ यही जरा तो कहवे करियो भाई, अब आगे आगे बतला रहे हो
नहीं नान के रही है। अच्छा तुम्हारा बड़ा सेवा करा। कितनी बड़ी रही? इतनी बड़ी रही है सच में। तुम्हें तेल लगाई नवाई नवाई धवाई बीबी जॉइंट से तेल लगाई। कौन तेल लगा के? तुम्हें काजल लगाई। अच्छा खटिया पर पहुड़ा गयी। अच्छा तो तुम कहा 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 चिल्लाओ बिट्टी तो तुमका हम ले। बहुत मार खाओ ज्यादा। मतलब तुमका हम कनिया ले। अच्छा तो हम भी समझी तुम्हारी बात। हाँ तो तुम चुप हो जाते हो राम बली। अब भाई अब बाड़ी के होएगा कहाँ लाइन पे ऊपर महाबली कनिया अब लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद चल लेती हूँ। चल लेती हूँ। हाँ तब इतनी मेला चल रही हो। हाँ पैसा वैसा कुछ है कि नहीं? और क्या कितना चाहिए ये बताओ बस तुम। कितना चाहिए और क्या? हाँ भाई मंत्री के बिटिया हो पैसा का कौन कमी है? ज्यादा नहीं हाँ कम से कम 10-15 हजार रुपया दे दियो बस। बस इतने में हो जाएगा? इतना बहुत है। अच्छा ये बताओ महाबली तुम मेला चल रहे हो मेरे साथ में हाँ। तुम खाओगे क्या मेला में? हाँ मेला में चलो छुल छुल मुतनी खाए। ये क्या है दांते तेरे दबाओ छुल ले। ओ गुड़िया जलेबी खाओगे? हाँ वही वही। अच्छा अब मैं तो चौमिन की बहुत शौकीन। लेकिन आपके मामा क्या होगा जलेबी कहा थी हमें क्यों का छुल छुल मुतनी कहा थी? होता होगा भाई कहीं 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 का रिवाज अलग है बोली भाषा में भाई। लेकिन ऐसे नहीं कुछ कहते हुए मेला बहुत दूर है। अजही जलेबिया बिचाय भैया मेलावा में। अजही जलेबिया बिचाय भैया मेलावा में। जैसा जानते हो अपने सरदार जी का आने का वक्त हो गया है और सरदार जी के नाम है डाकू जगीरा सिंह। साथियों अपने अपने अड्डे पर लग जाओ ताकि सरदार जी ये न कहे अपने साथी दफलत की नहीं थे। लग जाओ
काफिल हुआ, काफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है, बच के रहना दोस्तों हम सबों का। तूफान शैतान और बिजली रानी क्या हो, किस बिहार तराई के खमखार ढाको, लोग जगीरा सिंह कहते हैं। आपदार जी जितना अंतर से गुजर जाता हूँ तो माँ अपने बेटे से कहती है बच्चे सो जाओ कहीं जगीरा सिंह का गिरोह ना जाए। आपदार जी आज तुम्हें ये भी मालूम है किस डाकू जगीरा का ऐलान है, केस दर्ज करवे कोई योद्धा मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसके हाथों से मारा जाएगा। अर्थात मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मैं उसे परास्त कर देता हूँ, अपने बंदूक की गोली उसके जिगर में डाल देता हूँ। कहो बिजली रानी कोई खबर मिली हो तो फरमाइए। कहो सरदार जरूर बताओ सुदार जी मैं तुम्हें उदयपुर का मेला बहुत करा रहा है सुदार जी, आपके इज्जत का हुक्म। क्या कहा बिजली रानी कि उदयपुर का मेला बहुत करारा लगा। आज हमारा हुक्म है कि चलो उदयपुर मेले की तरफ चलते हैं, मेले में आए हुए सेठ महाजन जाने ना पाए उन्हें लूट लिया जाए। दादी आओ चलते हैं जय बहुत चपुआ लाग है भाई मेला खाना वा दर हमारा है तुम लोग कई लगाओ ठीक है लगा भैया। हाँ हमार दुकान है जंतु का है बनवा लियो सेट करा लियो का बार सेट करा लियो। अच्छा मैं समझी और कुछ। हाँ और गोदनों के तीन दुकान गोदना भी गोदते हो। हाँ 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 ठीक है लगा दुकान। एक बात सुन लो हम पानी से बार नहीं बनाते तेल लगा के बनाते। ठाकुर सुनो लगा
आओ साले हराम खोर को, आओ सेठ आओ। आओ बेटा आओ। ये तो तमाम कौन हो तुम लोग? शैतान और तूफान, हमारे डर से साले का पैसा गिर रहा है। पैसा कहाँ लिए आए? पैसा नहीं। लेकिन तुम लोग कौन हो? अरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन लोग डाकू जगीरा सिंह। इन्हीं तुम्हार नाम झाटू साले, इतनी गोली मार दूंगा ना डॉक्टर दवाई करने में मजबूर हो जाएगा। तुम लोग झाटू हो, निकले दिखा लो पैसे साले के। ये झटवाई हमें लाए नहीं ना, नहीं ना एक रुपया। देखो साले के पैसा गिरते थे। इसकी जात का पैदा मारू साले के। पैसा नहीं ना, ए काहे साला देखो तो बीड़ी का बंडा ला, बीड़ी का बंडा ला। साला कहता है बीड़ी का बंडल है, मब तीली है तीली। आओ चैन खोलिएगा सरदार जी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इसके पास कुछ नहीं है। सेठ भागने की कोशिश किया ना तो साले बेमौत मारा जाएगा। पैसा नहीं कहा तुम्हारे बाप। हमने पैसा नहीं ना यार, ये चोरे मिल गया, ये जो तीनों है। पैसा नहीं ना एक रुपया यार। सेठ निकाल साले पैसे। पैसा कहा? नहीं है पैसा कहा तुम्हारे बाप जी ने कहा। रुक जा रुक जा रुक जा, साला कहाँ टूटा है रे? साला पैसा बराबर गद्दी पकड़ी नहीं पायो। अब पैसा नहीं ना, और पैसे दे सेठ, और पैसा कहाँ तुम्हारे बाप दिए? मारो ना ए जाने चोर चमार मारो। पैसा लियो लेकिन मारो ना साले। लियो बुजरी बिजली रानी ना। का हमारो रानी है का? ये चार मारते हैं चोर सरदार जी। पैसा लिए बिना जाने दे हो? पैसा ले हो जरूर, बिल्कुल बिना पैसा लिए ना जाते हो? कहा तो फिर जूता उतारी। देखा
साला पैसा जूता में छुपा कर रखा था। पैसा नहीं ना। क्या पैसा नहीं ना। ये जार चोर है माटे की बहनी मा। माटे है जार की बहनी मातारी। तोरे पहली मातारी के पाँव छुई पाँव छुई करी आऊ ना ले चट्टिन बुआ। अब पैसा नहीं ना और एक पैंट उतार दे। भाग जा भाग भाई चले जाओ यहाँ से। पैसे से कुछ भी नहीं मिलेंगे। मैं कहती नहीं मिलेंगे। मैं लूटा हुआ माल वापस नहीं करती। मांगे चना दिया हो। नहीं जबरदस्ती लिए। तो एक घंटा ठहरो, हम गुंडा बुला कर लाते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। आओ, तब तक मेले को हम तबाह कर देते हैं। देखो, अब मेला नहीं चलेंगे। मेला में चोर पिघले जी। तुम लोगों ने कुछ देखा? मैं तो कुछ भी नहीं देखी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं देखा आस्कार जी। लेकिन ये जगीरा की नजरें कभी धोखा नहीं खाती। आज मैंने देखा कि एक लड़की खूबसूरत लड़की मेले में टहल रही है। ये जगीरा मेले में कुछ नहीं लूटेगा, सिर्फ उस लड़की को उठाकर अपने अड्डे पे ले चलेगा। अपने ग्रह में मैं उसे शामिल करके रानी हसीना बना देंगे। हाँ आओ, कहीं वो छकरिया हमारे हाथ से निकल जाए।